हेलो, कैसे हैं आप लोग यार? कोई बहुत बहुत स्वागत है आपका यार। वैसे आजकल मैंने देखा लोग ना वीडियो कॉलिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और तो और मैंने देखा बहुत सारी आंटी इस वीडियो कॉल पे अंताक्षरी खेल रही होती है। वैसे वीडियो कॉल से मुझे याद आता है, मैं अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, और मेरे पापा वाह क्या वीडियो कॉलिंग करते हैं यार। जब वो वीडियो कॉल कर रहे होते हैं ना, मुझे नाक के अंदर उनके सब कुछ क्लियरली नजर आ जाता है, बिकॉज एंगल ही कुछ ऐसे रखते हैं। और मेरी मम्मी तो इतनी क्यूट है यार, जब वो वीडियो कॉल पे बात करती है ना, तो मुझे सिर्फ उनकी आंखें, उनका माथा और उनकी सीलिंग पे लगा वो फैन घूमता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो भी कमाल का एंगल रखती है। पर यार कुछ भी कहो, मम्मी पापा ना होते बड़े क्यूट है, अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। तो इसी बात पे दुनिया के सारे मम्मी पापा के लिए एक बार जोरदार तालियां और मेरा सलाम। वैसे खुशी की बात अगर मैं करूं यार, मम्मी पापा से बात करके खुशी होती है, लेकिन मुझे एक और जगह बहुत खुशी होती है, वो है आप लोगों से बात करके। इसीलिए तो यार बार बार आ जाता हूँ और एक बार फिर से लेके आया हूँ धमाकेदार एपिसोड ऑफ वन एंड ओनली फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स क्या बोलती पब्लिक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा गेम शो है जहां आप जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। पांच सवाल मैं पूछूंगा, आपको दो ऑप्शंस में से किसी एक को क्लिक करना है जो आपको लगता है आपका जवाब होगा। सही जवाब वही माना जाएगा जिसे सबसे ज्यादा लोग चुनेंगे। जो जितना जल्दी ये गेम खेलेगा उसके पास जीतने का उतना ज्यादा मौका होगा, और वो कमाएगा उतने ज्यादा पॉइंट। और इस गेम में स्पीड जो है ना वो बहुत मैटर करती है, और हर रोज 100 विनर्स को मिलेंगे ₹1000 के गिफ्ट कार्ड्स, और एक विनर को मिलेगा ₹1,00,000। और पॉइंट्स बढ़ाने के और भी बहुत से तरीके हैं, वो मैं बताऊंगा, लेकिन जिसके बाद सीजन के एंड में होंगे सबसे ज्यादा पॉइंट्स, उसे मिलेंगे पूरे के पूरे ₹1,00,000। यार तो चलिए, अब ये तो पता चल गया, तो एक काम करते हैं कि अब बिना किसी समय को बर्बाद किए मैं आपको पूछता हूं पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, आपके घर में ज्यादा ड्रामा कौन करता है, मम्मी या पापा? और आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे यार मेरे पापा है ना, बड़े सही ड्रामे करते हैं यार, हमेशा कहेंगे ओ भाई मैंने मीठा नहीं खाना, और फिर थोड़ी देर में मीठे के डब्बे के आसपास गुर 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 घूम रहे होंगे। और मम्मी के ड्रामे, मैं अगर मम्मी की बातें करने लगूं तो मुझे पूरा सीजन लग जाएगा। आप जवाब दीजिए, मैं यही मिलता हूं आपको, दीजिए जवाब। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। वैसे यार बच्चे भी ना कमाल होते हैं, कई बार मतलब ऐसी बातें कर जाते हैं कि बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। अब मेरे बच्चे हैं, मैंने आपको बताया था, एक को लगता है कि मैं मुर्गा हूँ, दूसरे को लगता है कि मैं जिराफ हूँ, यार कमाल ही करते हैं। वैसे अगर बात करें करण जौहर की, तो करण जौहर के करण जूनियर्स भी किसी से कम नहीं है। Yash, what were you saying? What were you saying just now? Very boring. Who's very boring? Dada. I'm very boring. But why have you said I'm boring? Because Corona is coming. Because Corona is coming, so I'm boring. यार कितने क्यूट हैं यार। करण सर एक प्लीज काम करना यार, दोनों को मेरी तरफ से ना एक टाइट झप्पी दे देना। वैसे हमारे करण सर फेमस हैं इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को लॉन्च करने के लिए, इसी तरह आज मैं अपने शो में एक न्यू कमर लॉन्च करने वाला हूं, और वो है द वन एंड ओनली कमला सिंह। यस, ये है द हेरी बॉय कमला सिंह। हेलो कमला सिंह, कैसे हो यार? ओ यार मनु, ओ यार तू क्या मुझे लॉन्च कराएगा, ओ मैं तुझे लॉन्च कराता हूँ यार, क्या खाएगा? ओ पालक पनीर, ओ यार सरसों का साग खा ले मेथी के साथ, खाएगा तू? ओ यार गमला सिंह, मैं लंच की नहीं, मैं लॉन्च की बात कर रहा था, लॉन्च की। खैर एनीवे, ये है मेरा दोस्त गमला सिंह, ये घर पे बैठे बैठा कमला सिंह हो गया, कमला हो गया कमला। वैसे इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। ओ यार मनु, ओ यार इसका जवाब मैं दूंगा। ओ यार तू मेरे से सवाल क्यों नहीं पूछता? ओ मेरी बात। ओ नहीं यार कमला सिंह यार, ओ नहीं मैं इससे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, इसको कोई भी सवाल पूछो इसको उसका जवाब पता होता है। खैर इसकी छोड़िए, अब है आपके लिए सवाल। आपका सवाल है, ओ बच्चे की खा के सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब बच्चे क्या खा के सबसे ज्यादा खुश होते हैं, आइसक्रीम या फिर चॉकलेट? आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। गमला सिंह आप बिल्कुल शांत रहेंगे। वैसे यार आइसक्रीम और चॉकलेट इट्स अ टफ चॉइस, मुझे दोनों बहुत पसंद है, और आप 10 सेकंड से ज्यादा मत लेना, क्योंकि हो सकता है आपकी आइसक्रीम जो है पिघल जाए। यार कमाल है यार ये,
और यार एक तो बाल बड़े हो गए मेरे। बच्चे भी ना वैसे कमाल होते हैं यार। वैसे मुझे लगता है बच्चों को सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं पास्ता भी बहुत पसंद होता है, और कई बच्चे पास्ते का कुछ अलग तरह का यूज करते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ, करीना कपूर खान जो है इनके बेटे हैं तैमूर, इन्होंने क्या कमाल का इस्तेमाल किया पास्ता का। आप देखो यार, मतलब इनोवेशन देखें आप बच्चे की, बट दैट्स रियली क्यूट यार। मतलब अपना दिमाग इतना तेज चल रहा है इसका कि उसने कहा पास्ता जो है उसका एक नेकलेस भी बन सकता है। हाउ कूल इज दैट, दैट्स रियली क्यूट। वैसे यार माँ बाप इतने टैलेंटेड है तो बच्चा तो टैलेंटेड होगा ही ना यार। वैसे करीना कपूर खान की अगर बात हो रही है तो चलिए अगला सवाल उन्हीं से रिलेटेड है। आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से आपको करीना कपूर खान का कौन सा रोल ज्यादा पसंद आया था? क्या वो कभी खुशी कभी गम की पूंछी, या फिर जब वी मेट की गीत? आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे काफी डिफिकल्ट चॉइस है बिकॉज आई थिंक दोनों रोल्स बहुत ही कमाल थे। गीत कितनी ज्यादा बोलती थी और पू का जो एटीट्यूड है, ओ कौन है वो जिसने पलट के मुझे नहीं देखा, आई थिंक आई लव इट यार। वैसे आपको पता है कभी खुशी कभी गम में रियल स्टार कौन थी? अरे जया बच्चन जी यार, कितने प्यार से अपने बेटों से बात करती थी, आंखों में ममता के आंसू। वैसे ये माओ का एक सीक्रेट वेपन होता है। मेरी माँ, मैं आपको बता दूं, जब भी मैं लेट उठ के आता था ना, सो के लेट उठता था, मेरी माँ मुझे कहती थी, हाय मेरा बेटा, थोड़ी देर और सो जाता, पता ही नहीं चलता कब सार्केस्टिक हो जाती हैं। कई बार ना सीधा डायरेक्ट हो जाती थी, कहती थी तू घर के बाहर पैर रख, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। वैसे यार अगला सवाल जो है ना वो यही है, आप मुझे बताएं घर वालों की डांट से बचने का बेस्ट तरीका कौन सा है, बेस्ट जगह कौन सी है? क्या वो है कंबल के नीचे, या फिर वो है बाथरूम के अंदर? आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। यार एक बार हुआ था यार, मैं ना बाथरूम में छुप के चला गया था वहां पे, मैंने कहा यही छुप जाता हूँ डांट से बचने के लिए, और मेरा कजन बाहर से मुझे कुंडी मार के चला गया था। कसम से बहुत डर लगा था यार। वैसे माँ तो माँ होती है, किसी भी बात का बुरा नहीं मानती, लेकिन अगर आप अपनी बीवी से बात कर रहे हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, दैट दिस कॉन्वर्सेशन विल बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पसेस। इसीलिए आपकी कही बात कब आपके सामने वापस आएगी और कब किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगी आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए जरा ध्यान रखना जरूरी है। अगला सवाल भी ना मेरा कुछ ऐसा ही घरेलू सवाल है। अगला सवाल है, मियां बीवी में अक्सर किस बात को लेकर ज्यादा झगड़ा होता है? आपके ऑप्शंस है खाना क्या बना है, या फिर पहले सॉरी कौन बोलेगा। आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे कभी भी मेरी वाइफ से लड़ाई होती है ना, मेरा सिंपल रूल है, सॉरी मैं ही पहले बोल देता हूँ, बात ही खत्म। आप भी बोलते होंगे मुझे पूरा यकीन है, हम मानते नहीं है हम लोग हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर कल मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले कुछ रिमाइंडर्स मैं आपको याद दिला दूं कि आप लोग ये गेम सुबह 9 से रात 9 बजे तक जितनी बार चाहे खेल सकते हैं और बार बार जाकर अपने जवाब बदल भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा, अगर आपने बदले जवाब तो पिछले जवाब जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे। आप जितना जल्दी इस गेम को खेलेंगे उतना ही ज्यादा मौका आपको मिलेगा पॉइंट्स को बढ़ाने का और इनाम के और करीब आने का। वैसे पॉइंट्स बढ़ाने के और भी बहुत से तरीके हैं, पर वो आप धीरे धीरे समझ ही जाएंगे। सही जवाब, पॉइंट्स और विजेताओं के नाम देखने के लिए आप क्या बोलती पब्लिक के पेज पे जा सकते हैं फ्लिपकार्ट वीडियो पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी नए 5 सवालों के साथ। तो मैं आपसे इजाजत लेता हूं और मिलूंगा ओनली ऑन फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स, क्या बोलती पब्लिक।